राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित मनन विद्या मनरखन महतो स्कूल के 10वीं क्लास के छात्र पीयूष की जुमार नदी में डूबने से मौत हो गई। शनिवार रात पीयूष पानी में डूबा और सोमवार की सुबह एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों के द्वारा खोजबीन के बाद उसके शव को निकाला गया, लेकिन इस मौत का जिम्मेवार कौन है और लापरवाही किसकी है, ये बड़ा सवाल है। उधर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शनिवार रात 5 बजे स्कूल की बाउंड्री लांघकर घूमने निकले और नदी पार करने के दौरान पीयूष हादसे के शिकार हो गए। हैरत की बात यह है कि स्कूल की प्रिंसिपल रेखा नायडू के मुताबिक 5 बच्चों में 2 बच्चे स्विमिंग में एक्सपर्ट थे, फिर भी यह हादसा कैसे हुआ, यह बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ी हैरानी की तस्वीर तब दिखी जब स्कूल के डायरेक्टर मनोज महतो ने उस जगह को दिखाया जहां से बच्चे दीवार फांद कर बाहर निकल गए थे। 10 तारीख को रात को 1 बजे के आसपास हमारे स्कूल के हॉस्टल से 5 बच्चे हॉस्टल से निकले हैं और निकलते उन्होंने इनका ये कहना था कि उन लोगों ने खिड़की से लिया निकला है। खिड़की से निकलने के बाद झुमार नदी के तरफ से उन्होंने क्रॉस किया। उनका मकसद यही था कि जो कि बाकी जब 4 बच्चों को जो पकड़ के आया था उन लोग से हम लोग ने बात किया। उनका कहना यही था कि हम लोग घूमने निकले हैं और घूम के हम लोग थोड़ा देर बाद वापस आ जाएंगे। जब 4 बच्चे घूमने के लिए निकले तो पानी का जो स्रोत था वो बहुत ज़्यादा था, बरसात के मौसम है, तो 1 बच्चा पानी में गिर गया कि उनका कहना था कि जो झुमार नदी के साइड से होकर के वो लोग BAT की तरफ जाएंगे और घूम के आएंगे, लेकिन उसमें 2 बच्चे तैरने में बहुत एक्सपर्ट था, वो लोग बताए नहीं हम लोग तैर के उस पार जाएंगे और घूम के आएंगे। जिस हिसाब से बच्चे बताए सबको बुलाने की कोशिश किया और उनके पास एक वॉच था जो हम लोगों ने अलाउ नहीं करता स्कूल को कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने के लिए, उन्होंने छुपा करके अपना अंडरगारमेंट्स में रखा हुआ था। उस गार्जियन के जरिए उन्होंने हेल्पलाइन को फ़ोन किया और उनके पास एक दोस्त का नंबर उसको याद था, बंडी, उसको भी उन्होंने फ़ोन किया। बंडी ने अपने मम्मी पापा के साथ में तुरंत स्पॉट पर पहुंचा और रास्ता में ही उन्होंने मेरी PT टीचर है रौनक कुमार और उनकी वाइफ दोनों यहाँ के PT डिपार्टमेंट में, उनको भी फ़ोन किया। ये 1 बजे रात की कहानी मैं बता रही हूँ। मेरे पास उन लोग पहुँचने के पहले ही दोनों टीचर लोग ने मुझे फ़ोन किया 1:40 में, मैम ऐसा है कि हॉस्टल से बच्चे को निकलने की खबर हमारे पास आई है, कितना सही हम लोग नहीं जान रहे क्योंकि हमारा सेफ्टी जितने हिसाब से हम लोग रखे हैं हम लोग वी वेयर वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। क्योंकि वो जगह का हाइट करीब करीब 25 फीट है जहाँ से लोग निकले हैं और खिड़की से आप निकल के 25 फीट नीचे डाउन जाते हैं कपड़ा बांध के, तो एक मतलब अनबिलीवेबल है। फर्स्ट फ्लोर का खिड़की से वो लोग निकले और नीचे कहीं सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि कहीं वहाँ पे आके खड़ा होकर आराम से कोई निकल पाए। मैं अभी अगर कोई चाहेंगे तो मैं वो जगह अभी आप लोगों को भीड़ करवा दूँगा। गार्ड है, CCTV कैमरा है, लेकिन वहाँ पे जो बाउंड्री जो है ना वो बिल्डिंग से सटा हुआ 4 फीट के डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है पीछे, ठीक है। तो हम लोग उम्मीद नहीं करते थे कि वहाँ से कोई निकल पाएगा क्योंकि बाउंड्री का हाइट भी करीब करीब 8 से 10 फीट है और उसके ऊपर फेंसिंग किया हुआ है।